नागपुर शहर में बढ़ती महिलाओं छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल ने सोसाइटी कॉलेजेस और स्कूल जाने वाले सभी छात्राओं को ये बात कही है कि उन्हें किसी भी प्रकार की चाहे वो सोशल मीडिया के तहत हो या फिर कोई अन्य तकलीफ तो वो पुलिस के विविध विंग में काम करने वाली पुलिस दीदी से संपर्क कर उन्हें अपने तकलीफों से अवगत करा सकती है ताकि शहर में होने वाले क्राइम को रोका जा सके। जो महिलाओं से रिलेटेड इश्यू है उसमें हमने हमारे जो भी अलग अलग विंग है पुलिस स्टेशन है पुलिस दीदी है ये सब के हमारे हमने बार बार मीटिंग किया उनको यही बताया गया कि हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए स्कूल में कॉलेजेस में सोसाइटीज में कि हम आपके साथ में अगर आपको कोई भी इंटरनेट पे या फिर आपको कोई तकलीफ देते हैं स्टॉकिंग करते हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दीजिए और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इसमें अवेयरनेस भी और कानूनी तरीके से भी हर तरफ से हम लोग सर देखिए जैसे मैंने बताया कि उसमें जो केस दाखिल हो गया है और उसके बाद में आगे एक कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर हमें किसी के बाद में या फिर अगर किसी कितने दिन की गलती है और बाकी उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग लिया जाए इतना मैं आपको बता सकता। महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित नागपुर मेगा ट्रेड फेयर जहां है 340 फीट बड़ा गेट वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क फर्नीचर डेकोरेटिव आइटम ड्रेसेस इमिटेशन ज्वेलरी फूड स्टॉल और सबके लिए है ढेर सारी खुशियां ही खुशियां। तो देर मत कीजिए पहुंच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशम बाग मैदान में लगे मेले में जहाँ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का भरपूर आनंद। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक स्टॉल बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 7559222 9